10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दिसंबर 2017 से जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सशर्त जमानत प्रदान की। बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। अभी तक देश में कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन अब कई शहरों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए 15-15 घंटे की वेटिंग चल रही है। एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड नाकाफी है, तो दूसरी तरफ श्मशानों में जगह कम पड़ने लगी है। कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहे अंतिम संस्कार सरकारी आंकड़ों की हकीकत खुद ब खुद बयां कर रही है। कोरोना संक्रमण और इस महामारी से हो रही मौतों के सरकारी आंकड़ों को लेकर देश भर में संभ्रम की विचित्र स्थिति है। गुरुवार को 8 राज्यों के सिर्फ 10 बड़े शहरों में ही कोरोना प्रोटोकॉल से 854 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि इन शहरों में सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 211 मौतें ही दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। सरकार की माने तो गुरुवार को देश में 1182 मौतें हुई, जबकि सिर्फ 10 शहरों का यह आंकड़ा सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है और दोपहर तक 55% वोटिंग हो चुकी है। टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं बीना खान में टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यह बम से हमला किया गया, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घायल होने की खबर है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौर के चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। बंगाल के आसनसोल को मिनी इंडिया बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माँ, माटी और मानुष की बात करने वाले दीदी ने यहाँ माफिया राज फैला दिया है। इस बार दीदी का पत्ता साफ हो जाएगा। बंगाल में अपने प्रचार अभियान को और गति देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले के अमदंगा में शनिवार को एक रोड शो किया। एक ट्रक नुमा प्रचार वाहन पर सवार अमित शाह और अन्य भाजपा नेता मास्क पहने नजर आए। इस दौरान हजारों लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 संकट संबंधी पूर्वानुमान आकलन और प्रबंधन के संदर्भ में मोदी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। तैयारी के लिए केंद्र सरकार के पास 1 साल का समय था, फिर भी सभी महामारी की चपेट में आ गए। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है, क्योंकि इस महीने फ्रांस से 6 और राफेल विमान भारत आने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां से वह 6 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत रवाना करेंगे। राजस्थान की 3, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र की 1-1 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यह वोटरों में मतदान के लिए उत्साह के साथ साथ कोरोना का डर भी दिखाई दिया। पोलिंग बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाकर मतदाताओं को खड़ा किया गया। वोट डालने से पहले लोगों के हाथ सैनिटाइज कराए गए और कई बूथों पर ग्लव्स भी दिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। राहुल गांधी ने आज तंजात्मक लहजे में ट्विटर पर लिखा है कि श्मशान और कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।